दोस्तों, ये मेरी कैट है और बाकी बहुत सारे पेट्स भी मैं पालता हूँ, तो उनके बारे में आपका जानकारी दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कैट्स में हेयर फॉल की समस्या बहुत होती है। ये देखिए, इस तरीके से हाथ पकड़ने पर, हाथ से पकड़ने पर भी बाल आ जाते हैं आसानी से। तो इसकी समस्या को हम लोग बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं बिना किसी मतलब ट्रीटमेंट के, दवाइयों के बिना भी। ये हम लोग सबसे पहले हमें ना शैम्पू वगैरह यूज़ करके इस समस्या का निवारण ढूंढना चाहिए। शैम्पू यूज़ करने से ये जो कैट्स के हेयर फॉल्स वगैरह होते हैं इनको हम लोग रोक सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि अब तो मेरी कैट्स के इतने हेयर फॉल नहीं होते। मैंने इसको इसलिए इतने दिन डिले किया अपना वीडियो क्योंकि मेरी कैट्स नहाई हुई थी तो इनके हेयर फॉल पूरा रुक गया था। और रुक गया था तो इसलिए मेरे को आपको दिखाना था कि हेयर फॉल में आखिर क्या होता है। हेयर फॉल में जब हम लोग इसको कॉम्बिंग करते हैं, ग्रूमिंग, तो इनके बाल बहुत सारे ऐसे झुग्गे से खड़े हो इकट्ठे हो जाते हैं निकल के कॉम्ब में, जो मेरी कैट के साथ अब समस्या नहीं है। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान था हेयर फॉल से, और हेयर फॉल एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वो सब जगह उड़ उड़ के चिपक जाते हैं, इतने महीन हेयर फॉल्स होते हैं। और तो ये सब चीज़ें मतलब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैट का हेयर फॉल हम लोग रोक सकते हैं अपने घरेलू इलाजों से, अपनी तकनीकों से। इस तरीके से हम लोग अपना कैट्स करते, देखो कितना प्यार करती है मेरी कैट्स मेरे को। अनुमान, आपने देखा है कि हम लोगों को जब भी हेयर फॉल होते हैं तो हम लोग अपना शैम्पू चेंज करते हैं तो उससे भी हमारे हेयर फॉल्स रुक जाते हैं। ऐसे ही हम लोग कैट्स में इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ एक तरीका है। मैंने अपने कैट के हेयर फॉल से इतना परेशान था कि मतलब मैंने इसको क्या क्या नहीं देने की कोशिश करी कि मतलब किसी तरीके से इसके हेयर फॉल्स रुकें। और ऐसा नहीं कि हेयर फॉल में मतलब आपका ये मतलब हेयर्स के अंदर कोई फंगस आ गया या वो आ गया है। नॉर्मल हेयर फॉल तो रहेगा क्योंकि वो नेचुरल थेरेपी है। तो मैंने इसको बहुत सारे आयुर्वेदिक जैसे बहुत सारी तरीके की मतलब शैम्पू से मैंने इसको नहलाया, बीपर्स यूज़ किया मैंने, अदर्स भी शैम्पू यूज़ करे मैंने। तो ये सब शैम्पू यूज़ करने के बाद भी मेरे कैट का हेयर फॉल नहीं रुका। उसके बाद में मैंने एक शैम्पू और यूज़ किया, देन ये है मेरा शैम्पू। इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद में मेरी कैट का हेयर फॉल रुक गया। और अब इसको हेयर फॉल की समस्या नहीं है। तो आप एक अपने घर में अपने अनुसार एक अच्छा शैम्पू रिज़र्व कर सकते हैं अपने कैट्स के लिए कि कौन सा शैम्पू हमारी कैट के लिए परफेक्ट है। जाहिर सी बात है, सब लोगों को अपना खाना पसंद होता है कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। ऐसी हेयर्स के लिए ज़रूरत होती है कि हेयर्स में हम लोग अपने कैट्स को उसके हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कमेंट पसंद हो, मेरी जो पर्सनल थिंकिंग पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और आपको कुछ और भी पूछना हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स पर मेरे को लिखकर भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पेट्स को प्यार करना, उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो एक स्ट्रेस में आ जाती हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।